नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। बहन छोटी हो या बड़ी, पास हो या दूर, दिल से सिर्फ अपने भाई की खुशहाली की कामना करती रहती है। उनके इस प्यार और श्रद्धा को और गहरा करती है भाई दूज का पर्व। इस साल बहनें भाई दूज का त्यौहार 9 नवंबर को मनाने वाली हैं। ऐसे में हर बहन चाहती है कि उसके भैया की उम्र 100 बरस हो और वो हर दुख से दूर रहे। अगर आप भी ऐसे ही किसी कामना को दिल में छिपाए हुए हैं, तो जान लें भाई को तिलक करने का क्या है सही तरीका, जो आपकी इस कामना को पूरा कर सकता है। भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, जिसके बदले में भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देता है। भैया दूज पर सबसे पहले ये जान लें कि टीका करने का शुभ मुहूर्त 1:09 से लेकर 3:17 तक है। इन 2 घंटे और 8 मिनट की अवधि में भाई को तिलक लगाना बेहद शुभकारी होगा। भैया दूज के दिन सबसे पहले नहाकर तैयार हो जाएं, उसके बाद आटे का चौक तैयार कर लें। अगर आपने व्रत रखा है तो सूर्य को जल देकर अपना व्रत शुरू करें। शुभ मुहूर्त आने पर भाई को चौक पर बिठाएं और उसके हाथों की पूजा करें। सबसे पहले भाई की हथेली में चावल का घोल लगाएं, फिर उसमें सिंदूर, पान, सुपारी और फूल इत्यादि रखें। अंत में हाथों पर पानी अर्पण कर मंत्र जाप करें। इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं और खुद भी मीठा खाएं। शाम के समय यमराज के नाम का 4 मुख दिया जलाकर घर के बाहर ज़रूर जलाएं। मान्यता है कि इस दिन अगर बड़े से बड़ा पशु काट भी ले तो यमराज के दूत भाई के प्राण नहीं ले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।